प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को काल की डेफिनेशन बताते हुए बताया कि प्यारी आत्मा तुम यहाँ क्या देखते हो कि बहुत सुंदर हवा बह रही है, बड़ी अच्छी गंगा जैसी मीठे पानी की दरिया बह रही है, नीचे मीठा पानी है, सर्दियों में गर्म निकलता है, गर्मियों में ठंडा निकलता है, फिर काजू किस्मत सेब संतरे बाग के बाग लगे हुए हैं, तो और किस तरह से दिन रात बन रहे हैं, कितनी अच्छी जमीन, कितनी ज़मीन दे रखी है, इसमें बनाओ और खाओ कमाओ, तो ऐसे देखते हैं तो ये यहाँ का भगवान, यहाँ का स्वामी, यहाँ का मालिक हमें परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा माने श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और फिर ये देखते हैं कि किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, परिवार का परिवार नष्ट हो गया, अक्षेत्र का अक्षेत्र नष्ट हो जाता है भूकंप आदि आने से, कि तूफान समुद्री तूफान आ जाता है, हाहाकार मच जाती है, लाशें बिछ जाती है। तो ये समझ में ना आता फिर, इतना अगर ये भगवान दयालु है तो ये जुल्म क्यों कर रहा है ये। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन कसाई उन अपने बकरों के लिए बढ़िया तो उसके लिए एक झोंपड़ी डालता है, हट बनाता है उनके लिए, ऊपर छान टीन शेड डाल देता है और अलग से एक चरागाह भी खरीद लेता है, एक तालाब भी बना देता है, उन बकरा कोई उनको जाकर के देखता है, संभालता है, चारा चराता है, पानी पिलाता है। तो वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है, पानी पिलाता है, चारा चलाता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, तो उसको अपना खास अपना निजी मालिक मान के वो प्यारी आत्मा, वो भोली आत्मा बकरे, जब वो कसाई बकरों में जाता है, वो किसी बकरे का हाथ लगा कर देखता है कि वो कै किलो का हो गया, कितना मांस है इतना इसमें, और वो प्यार वो भोली आत्मा उसको प्यार देता, उसको चाटता हाथों से, ऐसे चाटता है कि ये बहुत मेरा प्यारा मालिक है, मेरी कितनी देखभाल कर रहा है, और वो नो देखे यू कह कितने किलो का हो गया, जो कितने का बिकेगा, उनका हथलाला देखे और वो प्यार दें उसको, ऐसे प्यार से उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं, ऐसे पंजाली ऊपर को पैर लगा सीने से लगाना चाहते हैं उसको। और शाम के समय जब आ जाता ऑर्डर दो चार बकरियाँ का, वो ना देखता किसकी माँ हर किसका बाप से, एक लाठी लेकर उनमें निकाल के और कड़च करवा देता है। तो ऐसे ये काल हमारे साथ कर रहा है। पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि इसने इतनी संक्षिप्त कर दी, इतनी कंसंट्रेट कर दी कि हम ये इतना ही सोच सकते हैं, इससे अधिक हम सोच भी नहीं सकते। अगर कोई चाहत हमारी बुद्धि उठ भी बड़ी देर से उठेगी, लेकिन ये परमात्मा ने एक ट्रीटमेंट दिया है कि ये काल के भांग का एंटीबायोटिक है। काल ने जो हमारी त्रिगुणमयी माया की भांग चढ़ा रखी है, ये दशा चढ़ा रखा है, इसके से इस ज्ञान से और इस भक्ति शक्ति से ये एंटीबायोटिक इस नशे ने तार देंगे और फिर आपको सपने में भी दिखाई देगी यह सच्चाई जो दास आज को बता रहा है, जो परमात्मा कबीर जी ने बताई थी, ये 100% सत्य है। तो ये काल कहता है ये सब कुछ जो हो रहा है ना, तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, तमगुण विष्णु से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव से, तो ये मेरे से ही हुआ जान। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, आपने देवी पुराण में देख लिया, ये भी बहुत प्रमाण है, लेकिन फिर भी इसको और अच्छी तरह प्रमाणित करते हैं। देवी भागवत महापुराण जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों विद्यमान है, अनुवादकर्ताओं ने बहुत कुछ सच्चाई को छुपाने की चेष्टा की है जिसमें केवल हिंदी अनुवाद किया है। और पुणात्मा यदि कुछ दिन और लेट हो जाते ना, परमात्मा यु ज्ञान प्रचार दास के द्वारा ना करवा, तो कुछ दिनों में गीता जी के ओरिजिनल श्लोक हमने देखने नहीं मिला।
ये बनाने लगे थे हिंदी की, हिंदी हिंदी के अनुवाद, और बिरन उसमें के के सट्टे मार रखे थे। गीता मेरे पास है, गीता जिसमें केवल हिंदी हिंदी लिख रखी है, और उसमें गीता जी के श्लोकों के बारे में कितने जग उनका कोई भावार्थ नहीं है। बिरन क्यों क्यों बना रखे, राजा ने 15वें अध्याय का पाठ किया था गीता जी का, उसको पुत्र प्राप्ति होगी, एक नंबर में का किया था उसको ऐसा प्राप्ति, इस तरह की बकवाद गढ़ रखी। तो शुक्र है परमात्मा ने कि ये संस्कृत सहित मिल गया पाने और आसानी से समझ लेंगे। तो ऐसे ही जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी हिंदी बना दी इन्होंने पुराणों की, फिर भी सच्चाई बहुत कुछ विद्वान है। और फिर अभी तक हमें ये हिंदी संस्कृत सहित भी अपने पास है और हम शिक्षित हो गए। अब इसमें से भी ढूंढ लिया अपन वो माल जो हमने चाहिए था, जो जड़ी। अब देखो श्री देवी भागवत संस्कृत सहित, हिंदी टीका सहित भाग एक, अथ श्री अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम स मातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, यहां से ये छपी है। खेमराज श्री कृष्ण दास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई, यहां से छपी है। अब इसके तीसरे सकंद में आते हैं, अथ श्रीमद देवी श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब यह संस्कृत से है या नागरी लिपि, हम हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, इनमें एक दूसरे में इन अक्षर फंसा रखे हैं, इतना अंतर है। आगे देखो, ये 11वां अध्याय है तीसरे स्कंद का, ये तृतीय स्कंद है अध्याय 5। इसके अध्याय 5 के 8वें श्लोक में भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर आप हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। यानी ब्रह्मा मुझे तो तमोगुण क्यों बना दिया, और विष्णु सतोगुण ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु शंकर जी कह रहे हैं मैं तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु सतोगुण क्यों बना दिया। यदि आप दयालु हो और ये कहते हो कि बेटा तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो तो इसे कुक्रम में हम क्यों फंसा दिए, इसका सीधा सा कहने का यू तात्पर्य। दुखी होकर कह रहे हैं भगवान शंकर कि हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो मुझको तमोगुण क्यों किस प्रकार प्रदान कर दिया, मैं तमोगुण क्यों बना दिया, जरा सी बात में गुस्सा हो जाता तेरा कितना कुकर्म कर देता हूँ, मेरे बस की बात नहीं। और रजोगुण ब्रह्मा को रजोगुण युक्त कर युक्त बना दिया रजोगुण, और विष्णु जी को सतोगुण। अब संस्कार देखिए, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया, प्रदान पर दोनी है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले रजो ब्रह्मा जी को क्यों रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया, क्यों रजोगुण बना दिया। और सुविहित क्यों सतोगुण हरि, विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और प्रकाशक हैं वही प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान,
ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं, ये इनके नीचे ईमेल वगैरह है। इसमें देखिएगा 110 पृष्ठ पे, 110 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण और रुद्र संहिता, इसका अध्याय नंबर 9 ये यहाँ समाप्त होता है। इसके लास्ट में लिखा है कि इस प्रकार सारा विवरण देकर, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये शिव कौन है? यू काल है। ये जो का ये सदा शिव को हो चाहे शिव को हो, यू काल है जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। अब ये कंसेप्ट भी यहाँ तक क्लियर करना पड़ेगा। अब देखना इसमें विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता के 25 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक समय शंकर और ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी का मैं तेरा बाप, विष्णु जी का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा, जिनके बीच में भगवान इस काल भगवान ने एक सतम छोड़ दिया था। ये फिर झगड़ा छोड़ करके इसका और छोर ढूंढने लग गए थे। फिर वो काल भगवान क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव के लिए वो काल ब्रह्मा और विष्णु के बीच के सामने वो शिव रूप धारण करके आ गया ये काल। तो इसने यहाँ प्रश्नोत्तरी की है, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यू काल बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत विष्णु उनके सृष्टि पालन संहार त्रोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो ये 26 पृष्ठ पर आरंभ है, ये विद्वेश्वर संहिता है। विद्वेश्वर संहिता पढ़ रहे हम, विद्वेश्वर संहिता का आरंभ है, उसको सर्ग या सृष्टि कहते हैं। नीचे देखो, यहाँ क्लियर हो जाता है जो दास करना चाहता है। पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके ब्रह्मा और विष्णु को कहता वो ये काल रूपी ब्रह्म शिव रूप में प्रकट होकर कि पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझे मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, अब देख लो 4 तो ये हो गए ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश्वर, ये काल से अलग है 4। महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं सहार और त्रोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कर्त दूसरा कोई नहीं पा सकता। आगे देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया था जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ था, ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। इससे सिद्ध है कि ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है जिसने गीता बोली, जो कहता मेरा एक अक्षर ओम है। आगे देखो, आगे चल के इसमें इसका सदा स्मरण करो। इन सभी ये ऊपर बताया है, इन सभी अयो से एक ही भूत होकर यह प्रवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम एक अक्षर ये ही मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का, इस ओंकार माने ओम का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। अपुन आत्मा ये PhD की तरह आपको ये एक एक अक्षर नारा नारा समझाना पड़ेगा। जब ये अज्ञान हटेगा जो युगों युगों से ठोक दिया हमारे अंदर इन अज्ञानी ऋषि संतों और नकली गुरुओं ने, अब इससे सिद्ध हो गया कि ये जो गीता पुराण बोल रहा है शिव पुराण, ये काल बोल रहा था यहाँ पर। और ये कहता है कि तीन अध्याय से इसमें लिखा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण इन तीनों देवताओं में गुण हैं और यो काल इनसे अतीत है, गुणातीत इनसे न्यारा है। अब शुरू कीजिए श्रीमद देवी या श्रीमद भागवत गीता
अब इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना के अब तक ग्राउंड बना है गीता जी में प्रवेश करने का। अब देखिएगा श्री मद देवी भागवत, श्री मद भगवत गीता, गीता प्रेस गुरुक से प्रकाशित, जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। आप पढ़िएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 7 का। अब वैसे इसको प्रथम दो श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, इसमें क्लियर होगी बात, देखो कितनी क्लियर है। प्रथम 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक, यो काल बोल रहा है, हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में एक आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबसे सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। कहते विशा ज्ञान बताऊंगा तो मुझे खूब समझ जाएगा मैं के हूं। अब दूसरा देखो, दूसरे 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान रहित ज्ञान को, इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तोड़ पाट दिया कि ई विशा ज्ञान बताऊंगा तेरे ते, जो इसने समझ जाएगा फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। अब 12वें श्लोक में आएंगे, 12वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे 7वां अध्याय, देखिएगा। ये काल क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतोगुण से जो हो रहा है विष्णु जी से, और जो रजोगुण से यानी ब्रह्मा जी से, और तमोगुण से अर्थात श्री शिव जी से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, क्योंकि ये इंतन्यारा है, अलग है ये। इससे अभी अपने शिवपुराण में सुना था कि तीनों देवताओं में गुण है और वो शिव काल तो गुणातीत है, इनसे नारा है। अब 13वें में क्या बताया है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, सारा प्राणी समुदाय यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, इन पर मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मुझ परे यानी इनसे ऊपर मुझ अविनाशी को नहीं जानते। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी बुद्धि सीमित है, ये आगे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। आगे देखो 14वां श्लोक 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है, और जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। इस ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली लाभ से ऊपर जो ब्रह्म का लाभ है उसको प्राप्त कर लेते हैं, और 15वें में तोड़ कर दिया है, है। कहते हैं इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी ने नहीं मानते, ना कोई देवता के बारे में सुनना चाहते, ना उन तक कोई भक्ति करते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर सीमित है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को, असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे और दूषित कर्म करने वाले यानी कुकर्मी, दूषित कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, यानी ये ब्रह्म साधना भी ना करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हैं। अपुण्य आत्माओं, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें किसके बारे में साधना के लिए बता रखा है कि ये साधना करो,
अब हमारे सदग्रंथ गीता जी जिसको हम अनमोल शास्त्र मानते हैं और है, और ये हमें क्या निर्देश दे रहे हैं, हम इसके विपरीत हमें ज्ञान दिया गया था। अपुनात्मा इसको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि तीनों गुणों के व्रज गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले दूषित कर्म करने वाले और मूर्ख क्यों कहा। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने और उसने के कुकर्म कर डाला, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु हो गया, ऐसी यातना दी उस बालक को अपने अभिमान वश होके, राक्षस कहलाया, ऐसे जुल्म किए उस बालक के साथ की तो लकड़ियों का ढेर करके उसमें फूकना चाहा, कहीं से पर्वत से ऊपर फेंक दिया, कि तो नागों में डाल दिया, फिर लोहे का खंभा गर्म करके कहा इसको पकड़ चारों तरफ से अच्छी तरह, नहीं तो काट दूंगा। फिर भगवान ने आके उनका फैसला किया और दुष्ट को मारना पड़ा हिरण्यकशिपु को। अब राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरिया हिरण्यकशिपु, रजगुण ब्रह्मा का उपासक। अब तमगुण शिव जी की साधना की थी रावण ने और ऐसी साधना की अपने यहां से गर्दन भी यहां से काट के धड़ ऊपर की चढ़ा दिया, सारा शिष्य सब को समर्पण कर दिया, तो जैसा किया वैसा फल उसको मिल भी गया और अंत में क्या बना, के जुल्म के दुष्कर्म किया अपने ही बड़े भाई की, अपने ही यानी मालिक की त्रिलोकी नाथ की पत्नी सीता को उठा लिया, अपनी माँ को उठा लिया और उसके साथ प्राणी के दुष्कर्म करने की चेष्टा की। वो तो परमात्मा साक्षी थे, रक्षक थे, सीता के अंदर एक ऐसी शक्ति मालिक ने दे रखी थी कि वो निकट नहीं पहुंच सका, ऐसे जुल्म भी उसने चाहा करना और आखिर में कुत्ते वाली मौत मरिया और राक्षस कहलाया। अब एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भस्मागिरी, और भगवान शिव जी का उपासक था तमोगुण का। उसने भगवान शिव जी के गेट के सामने, दरवाजे के सामने एक ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी, यानी वहां पर धरना दे दिया। 12 वर्ष जब उसने ऐसे किए हो गया तो एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की कि हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, आपका ये सेवक क्या मांगता है, इसको दे करके फारिग करो। अब शिव जी ने सोचा एक आदि सिद्धि मांग लेगा, इसको दे देता हूँ, जा अपना काम खेल लेगा खिलौने थे। तो भगवान शिव ने कहा कि मांग भाई भस्मागिरी क्या मांगता है बच्चा, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा प्रभु मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, आप वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव जी ने कहा मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगते। तो उसी समय सीधा खड़ा हो गया वो तो, और कहने लगा जो आपने ये भस्म कड़ा ले रखा ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी जंगल में रहता साधक है और अपने बचाव के लिए मांगता होगा, निकाल का भस्म कड़ा। वो भस्म कड़ा क्या था कि उनके उस कड़े में एक इतनी शक्ति थी किसी के सिर के ऊपर रख के और न्यू कह दिया ना भस्म, वो कति राख बन जाता था, नष्ट हो जाता था सामने वाला। तो इस बात का ज्ञान था उसको भस्मागिरी को, और भस्मागिरी के अंदर क्या दुर्भावना थी कि शंकर जी को मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, और इस उद्देश्य से वो साधना कर रहा था। और वो इन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को मंत्रियामी कहा करते, वो ये भी नहीं जान सके ये दुष्ट क्या उद्देश्य लिए बैठा है त्रिवारण्य आ गए द्वार पर। अब जो ही भस्मकड़ा उस भस्मागिरी के हाथ में आया, जब आँख बदल गया त्योर बदल लिए, कहने लगा ओले शंकर होशियार न मारूंगा, तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, हा 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 हा, बड़ा राजी है। अब शिव जी ने देखा अरे तरह सचमुच निकम्मी आत्मा, इसका स्वभाव बदल गया। और शिव जी को पता था कि ये कितना भयंकर शस्त्र है, तो शिव जी आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे, दोनों के सैर सपट्टे हो रहे, यानी भगवान शिव जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं आगे आगे अपनी जान की रक्षा के लिए, और वो भस्मागिरी दुष्ट, वो भस्मा असुर कहलाया फिर इस दुष्कर्म के करने से, अब भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहा है।
अपने आत्माओं हम ये सोचा कर पहले कदे बुद्धि बनाई या कथा रोज पढ़ा करते और फिर भी इनको अदरो अमर भगवान समर्थ माना करते रहे। समर्थ थे अविनाशी था भी शिव जी, तो ये भस्मागिरी तो डर के बाद जाए क्यों भस्म खड़े थे अविनाशी पर, यू अस्त्र करेगा क्या? तो फिर उनका बीच बचाव करके तो भगवान विष्णु जी आए, उन्होंने पार्वती रूप धारण किया, गंडहत नाथ नचा के, और भस्मागिरी ने जो सिर पर वो कड़े वाला हाथ अपने सिर पर कर लिया तो कह दिया भस्म, वो राक्षस मर गया। अपने आत्मा भस्मागिरी से भस्मासुर कहलाया, उत्तमोगुण भगवान शंकर का पुजारी। एक समय हरिद्वार में कुंभ का मेला आ गया, बहुत पुराने समय की बात है। कुंभ का जो पर भी लगनी थी वो हरिद्वार में हर की पैड़ियां पर लगनी थी, और ये दूर दूर से जितने भी कोई तमोगुण इन तीनों गुणों के उपासक यानी गिरी पुरी नाथ ये नंगे उगड़ कनपाड़े ये तो हैं इस तमोगुण शिव जी के उपासक, और वैष्णो हैं विष्णु जी के सतोगुण विष्णु जी के उपासक। तो ये वहाँ सब जाकर अपने अपने अलग अलग समुदाय में इकट्ठे हो गए। जब आया स्नान करण का समय, वो पर भी का समय, वह एक थोड़ा सा समय होता है उसके दौरान ही उन्हें स्नान करना होता है मिलकर। तो पहले सबसे पहले हर की पैड़ियाँ पर वो नागा महात्मा पहुँच गए, नंगे रहते हैं वो शिव के पुजारी ही औगड़ कहें जिनको। तो वहाँ पहुँच गए तो सबसे पहले वो नागा खड़े हो गए, हर की पैड़ी घेर ली, कोई हजारों की संख्या में थी। पीछे से श्री विष्णु जी के तमो सतगुण के उपासक वह वैष्णु साधु संत आ गए, उन्होंने उन नागाओं से कहा कि नागाओं तुम नहीं नहाओगे, पहले पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतगुण विष्णु जी के उपासक हैं। वो नागा कहने लगे नहीं, हम पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम नी इच्छा हैं, हम निकामी हैं, लगे दो कहन। तो विष्णु के उपासक वो वैष्णु कहने लगे कि तुम बाहर आ जाओ नंगो, तुमने नहाना न धोना, तुम टिट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड़ फरड़ो, तुम कहे कि सर्वश्रेष्ठ हो। अब इतनी बात सुनकर वो नागा ने भी मरोड़ी खा ली, वो वापस हो गए, और विष्णु और वो नागा आपस में गुट्टम गुट्टा, तलवार निकाल ली सीधी बर्छी ठोक है, तीर चलाओ तलवार तेने गर्दन काट दी एक दूसरे की। 25,000 वो ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़के कटके मर गए, पर बीत गए भूल, गंगा का पानी लाल कर दिया रक्त से, लाशों का वहाँ पर बेशुमार लाश होगी। अब इसके विषय में परमात्मा की वो सच्चिदानंद घन की वाणी में क्या लिखा है, तीर तुपक तलवार कटारियो जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी, कटारी इतनी लंबी छुरी से हो ना सीधी ठोके एक दूसरे के, तलवार तो गर्दन काट रहे, कहते काटे शीश नहीं दिल करुणा, और ये जग में साध कवावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाण्या वहाँ जा तेग चलावे हैं, भगवान की पैड़ी कहो हर की पैड़ी, और वहाँ भगवान के प्रति तुमने इतनी भी तरह रहम को ना, हर पैड़ी हर हेत ना जाण्या, और वहाँ जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया भी कोई ना इनके, और वो जग में संत को आवे हैं, दुनिया उन साधु भी कहती है ऐसा के कहते हैं, को दर्शन न भी जावे तो उनको भी नरक ले जावे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ाओगे अपने चेल्या ने जो उनके अंदर भरी पड़ी है। अब ये तो निर्णय हो गया गीता जी अध्याय नंबर 15:7 के श्लोक नंबर 12-15 का, कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण जी शिव जी के द्वारा इनसे मिलने वाले ही लाभ पर
इन्हीं से इन्हीं की पूजा पर जिन आधार पर आधारित हो गए हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो आगे कोई बात सुनने को तैयार नहीं, मरण कटन तैयार हो जाते हैं, कहते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे आए। बताइए, और दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, चार उपमा कठिए दे रखी है, एक श्लोक में चार उपमा दे रखी इन ऐसी साधकों को। अपुण्य आत्माओं, एक शब्द है समाज में, आम व्यक्ति भी कहीं नहर घाट पर नहा रहा हो और दो चार भक्त आ जाते हैं, वह भी उनको भी एडजस्ट कर लेते हैं, आ जाओ आप भी ना लो, और एक को और भी आ जाओ उसको भी आ जा आप भी यहाँ ना स्नान कर लो, क्या दिक्कत है। और ये आपस में कटका मर गया, पहला मैं नहाऊंगा नहीं, पहले मैं नहाऊंगा, गंगा का पानी समाप्त हुआ था या कोई बिजली पड़े थी इतनी आड़ में, दो मिनट पाछ नहा लेते, तो फिर परमात्मा की वाणी गलत हो जा कि इनके उपासकों में ये गुण आ ही नहीं सकते। अब गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16, 17 और 18, इन तीनों में और निर्णय दिया है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन तीनों इस 15वें श्लोक में जो कहा है कि जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी ना करते। अब कहता है मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना चार प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। चार वैरायटी है मेरे साधकों की, ब्रह्म साधकों की। अब अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, अपने कारोबार में बरकत के लिए उस साधना जो कोई अनुष्ठान करते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं। जैसे इन्होंने ये गायत्री मंत्र बना रखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे ओम नाम लगा, ओम का मंत्र लगा के और उसको गायत्री मंत्र बना रखे हैं। और वेदों के ही जैसे कोई अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से ही वो अनुष्ठान करते हैं, वो ये जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, ये इस तरह की कविताओं को नहीं पढ़ते वो ब्रह्म साधक। तो कहते ये अर्थार्थी भी मेरे उपासकों में से चार हैं। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए को अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से करता है, और आर्थ कहते हैं जो संकट निवारण के लिए भी कोई अनुष्ठान करवाता है वो भी वेदों के आधार से, वेदों के मंत्रों के पठन पाठन से, हवन पवन करके वो उन्हीं से करते हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जैसे जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा की चाह में घर त्याग कर चल पड़ा, आगे उसने जैसा भी कोई गुरु मिल गया, कोई संत मिले, जिससे जैसा ज्ञान मिला उस ज्ञान को संग्रह कर लिया और आगे वक्ता बन गया। अब इन तीनों को तो गीता ज्ञानदाता कहता है ये रिजेक्टेड हैं, ये वो उपासक ब्रह्म के ही हैं लेकिन ये मेरे काम के नहीं। हाँ, इनमें जो चौथा ज्ञानी है वो ज्ञानी को मैं पसंद हूँ और ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है। अब ज्ञानी कौन है, जिसको ये ज्ञान हो गया कि भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन पाकर यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो इसका यूज क्या, इस माटी को उठाए फिर रहे हम। और फिर उनको वेदों को पढ़ा, उसमें ये लिखा है कि केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा, अन्य किसी देवता की पूजा से मोक्ष नहीं होगा। तो उन्होंने वेदों से ये तो ज्ञान ग्रहण हो गया कि केवल सब पूजाएं त्याग कर केवल एक परमात्मा की साधना करने से मोक्ष होगा, ये तो उन्होंने फाइनल कर लिया। क्योंकि गीता जी में लिखा कि अनन्य भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, अनन्य यानी और किसी की पूजा नहीं, सब त्याग दे। ऐसे ही देवी भागवत में भी कहा है, दुर्गा ने वेद ज्ञान बोला है कि ओम नाम का जाप कर, उस ब्रह्म की साधना कर और सब बातें त्याग दे, सब पूजाएं छोड़ दे, हिमालय को ज्ञान दिया। तो जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराणों का वो हमने मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तो सोना है, सोने की इतनी डली भी कितने पाजा हुआ है, स्वीकारिय है उसने ठाव जेब में डाल ले तो सोना तो सोना ही रहेगा, पीतल को सोना नहीं मान सकते क्योंकि हम पारखू हो गए।
हम जोर ही बन गए। तो क्या बताया कि ब्रह्म साधना, अब उन ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को पढ़ा, फिर निष्कर्ष आप पर निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई और देवता की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल एक ब्रह्म साध एक भगवान की पूजा करनी है। तो उन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में पढ़ लिया, ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। अब ओम का नाम ले लिया कि पूरे यजुर्वेद में ये निष्कर्ष निकाल दिया, अंतिम अध्याय है और लास्ट के ये दो तीन मंत्र हैं, इनमें स्पष्ट कर दिया कि ओम का जाप करो। तो इन्होंने क्या सोचा कि ओम नाम ही पूजा का, और कोई मंत्र है कोई ना, और कोई मंत्र नहीं है जैसे और हम पूजा करते हैं, जैसे नाम जपते ओम वासुदेव नमः भगवते वासुदेव नमः, ना ये कोई मंत्र मंत्र नहीं है, ये वेदों और गीता के में तो वर्णित है, यथार्थ भक्ति के मंत्र नहीं है ये, तो लोक वेद दंत कथा किसी अन्य ऋषि महर्षि की बनाई हुई है, वो हमने स्वीकार्य नहीं है। तो इसमें उन्होंने ये भी ज्ञान हो गया कि एक भगवान की भक्ति से और देवताओं की साधना त्याग कर ही एक भक्ति करने से मोक्ष होगा, और ओम नाम को उस पूर्ण परमात्मा का जान कह, उसको ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का जानकर उसकी साधना शुरू कर दी। उधर से जब भगवान जब ये ब्रह्मा जी काल ने कमल के फूल पर रख दिया, पहले ये अचेत कर रखा था अपनी दुर्गा से, अपनी इन्होंने ये दुर्गा और काल ने ये तीन पुत्र उत्पन्न किए, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इनको बचपन से ही अचेत कर दिया, कोमा में रखा इन ऐसे अपनी अपनी शक्ति से, और इनमें परवरिश जारी रखी। जब ये युवा हो गए तीनों को होश में ला दिया, तो ब्रह्मा जी बैठे थे कमल के फूल पर, बैठा दिया इसको, तो कमल के फूल पर ये बैठा था, तो इसने देखा भाई अब क्या करूं, सब जगह जल ही जल नजर आ रहा है। तो आकाशवाणी की काल ने कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो सृष्टि करो। अब यु काल नो दुखी करता है। अब वेद ज्ञान जो है ये है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म द्वारा दिया गया इस काल को, इसके कंप्यूटर में इसके अंतःकरण में परमेश्वर कबीर देव ने इसमें फीड कर रखा है, इसने ये ज्ञान अपने अंतःकरण से अपने अंदर से एज इट इज निकाल कर और बाहर छोड़ दिया समुद्र में, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुआ बाद में। इससे पहले आकाशवाणी कर दी काल ने तप करो तप करो, तो ये तप जो है ये काल की आकाशवाणी है, काल का आदेश है ब्रह्म का, और वेद वो पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया विधान है इस सृष्टि का। तो उसमें केवल ब्रह्म का तो ओम मंत्र है, और पांचवा जो वेद था जो परमात्मा ने इस काल को ब्रह्म को दिया था, इस काल ने वो पांचवा वेद नष्ट कर दिया, गुप्त कर दिया, छुपा दिया, और 4 वेद दे दिए। वो पांचवा वेद बताने के लिए परमेश्वर कबीर देव को खुद आना पड़ता है प्रत्येक युग में, वो सचिदानंद घन की वाणी द्वारा वो ज्ञान दिया जाता है। तो काल ने आकाशवाणी की, ब्रह्मा ने ये आकाशवाणी भगवान की मान ली कि परमात्मा का आदेश है तप करो, इन्हें तप किया। फिर ये दो वेदों से तो ओम मंत्र और काल की आकाशवाणी से वो तप, इन ऋषियों ने यु ग्रहण कर लिया, इन्होंने ये खिचड़ी बना ली, ओम का जाप करें और हठ योग शुरू कर दिया, तप शुरू कर दिया परमात्मा पाने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन ये मेरा विराट रूप है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है काल का। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि एक भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों के समुदाय और सिद्धों के समुदाय आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं और कहते हैं बक्षदेव मंगल हो मंगल हो, और आप सबको खा रहे हो, कोई आपकी जाड़ा में लटक रहा है और कोई अंदर जा रहा है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन मैं अब
बढ़िया हुआ काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ, मतीब आया हूँ। अब देखो श्री कृष्ण तो पहले ही था श्री अर्जुन जी के साथ, श्री कृष्ण अगर ज्ञान बोल रहा होता ये नहीं कहता मैं अब आया हूँ, तो वो कहता मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ, ये मेरा वास्तविक रूप है। 11वें अध्याय के 47-48 में स्पष्ट किया कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक स्वरूप है और मेरे इस स्वरूप की प्राप्ति यानी मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से न जप से न तप से न किसी क्रिया से कोई नहीं कर सकता। यानी मेरा मेरी प्राप्त करना वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। ओम के जाप से और लाभ हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रह्मलोक प्राप्ति, देव पद प्राप्ति, सिद्धियां आ जाती हैं। तो इस तरह के ये इस ओम नाम और यज्ञों से ये लाभ होता है। तो गीता इसलिए इन ऋषियों ने महर्षियों ने ओम नाम का जाप किया, हठ योग किया, परमात्मा मिला कोई नहीं, अज्ञान थोरी बना दी, परमात्मा नहीं मिलता, निराकार है, निराकार है, अंदर उसका प्रकाश देखा जाता है। अरे भले आदमियों भगवान का प्रकाश देखा, भगवान बिना प्रकाश क्या का हो गया फिर वो। अब कोई कह सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य निराकार है, वो कि तक गुफा में बंद कर रखा है और सुनी सुनाई बकवास कर रहा है। अरे जिसने सूर्य देखा वो यूँ कैसे कह देगा सूर्य निराकार है, उसका प्रकाश देखते हम, सूर्य बिना प्रकाश की सा, सूर्य साकार है, उसका प्रकाश है। ऐसे ही परमात्मा साकार है, नर आकार है, उसके शरीर से निकल रहा तेज इतना जबरदस्त है और उसी का प्रकाश रिफ्लेक्टेड होकर के अन्य लोकों में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे गांव में एक चौपाड़ थी और उसके साथ थी बिल्कुल तालाब जोड़ के ऊपर, और सूर्य की रोशनी उसकी झांकियां में कह पिछले साइड में वो बिल्कुल उसके द्वार लगे थी, बीच में झांकी थी ये विंडो, उनमें से प्रकाश जाकर उस पिछले गहरा अंधेरा था, तो शाम के समय उसमें इतना जोर का रोशनी हो जाती जनु बल्लभ ला रखे, लेकिन वह सूर्य ना दिखा था, वो प्रकाश प्रकाश दिखा था। तो तालाब में सूर्य का प्रकाश पड़ा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उस चौपाड़ में गया और वहाँ प्रकाश दिखे। उसमें कोई आदमी न्यू बैठा हो और न्यू कह भाई प्रकाश क्या का सूर्य का है, या तो बात सच्ची ठीक होगी, लेकिन न्यू के प्रकाश पर प्रकाश निराकार है ना, सूर्य है ही नहीं, वह बौड़ी सोच है। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा सतलोक में है, उसका प्रकाश रिफ्लेक्टेड होकर के सब जगह घूम रहा है, सब जगह व्यापक है, हमारे शरीर के अंदर भी इस पिंड का एक ब्रह्मांड का इसके अंदर एक लघु चित्र है। तो समाधि में जो प्रकाश देखते हैं वो परमात्मा का ही प्रकाश है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, और उस प्रकाश के देखने से वो आइडिया नहीं लगा सकते। वो उन्होंने इस प्रकाश को मान तो लिया भगवान का, लेकिन कहते भगवान निराकार है, हमने भगवान मिलना है प्रकाश का, क्या करेंगे हम, हमने परमात्मा के पास जाना है, उस मार्ग को ग्रहण करना है। एक चुनक नाम के ऋषि थे, चुनक, और उस चुनक नाम के ऋषि ने, वो ज्ञानी आत्मा ने साधना की, ये जान लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है, और वेदों से निष्कर्ष यही निकाल लिया ओम का नाम एक भगवान की भक्ति और देवताओं की भक्ति हम करा को नहीं, और ओम नाम का जाप और हठ योग शुरू कर दिया। काफ़ी वर्षों तक घोर तप किया, ओम नाम का जाप किया, परमात्मा तो मिलता नहीं, इससे एटम बम बन जाते हैं, इनमें सिद्धियाँ आ जाती हैं। एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे, मानधाता नाम के पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती, उनको चकवे बोलते थे, चकवे माने चक्रवर्ती राजा। उस चक्रवर्ती राजा क्या होते थे, वो ये देखा करते एक वर्ष में, दो वर्ष में, चार वर्ष में कि भी किसी मेरे अधीन किसी अन्य राजा ने, नरेश ने मेरी अधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी, यदि अस्वीकार कर दी होगी तो वो उसके साथ युद्ध करके उसको कंट्रोल करता था। तो वो एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट छाप देते थे, लगा देते थे
फट्टी सी के बांध के गत्ते से के, और उसमें लिख दिया जाता था कि राजा की, जिस राजा को चक्रवर्ती राजा की अधीनता स्वीकार नहीं है, इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा, राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना है। अब उस घोड़े के साथ सैकड़ों की संख्या में अन्य सैनिक घुड़सवार होकर भी जाते थे, तलवार साथ में होती थी, तो वो घोड़ा घूमता हुआ सब जगह से घूमकर आ गया, किसी ने नहीं पकड़ा, यानी किसी ने भी विरोध नहीं किया, राजा की अधीनता अस्वीकार नहीं की। घोड़ा वापस आया तो ऋषि जो साधना कर रहा था, चुनक ऋषि, उसने जाते समय भी देखा कि भी अन्य घोड़ों पर तो ये व्यक्ति बैठे हैं सैनिक, और एक इस पर कोई नहीं बैठा, कारण क्या है? वापस भी वो उधर से ही आए, तो उन्होंने पूछा, ऋषि ने पूछ लिया कि सैनिक को इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है। सैनिकों ने बताया, ये राजा मानधाता का, राजा का घोड़ा है, इस पर हम बैठ नहीं सकता कोई। तो कहाँ गए थे, सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे हम गए थे और राजा ने इस उद्देश्य से घोड़ा छोड़ रखा है। अब देख काल प्रेरणा, काल पहले तो एटम बम बनवाता है, बनाता है ऋषियों को साधना गलत करवा के, और फिर स्वयं अपने रिमोट से इनका दुरुपयोग करता है। अब काल ने रिमोट ऑन कर दिया, अब उस ऋषि के मन में एक खुरापात उत्पन्न हो गया, उसके मन में ये हो गया कि उसने पूछा भी क्या किसी राजा ने भी नहीं पकड़ा। सैनिक कहने लगे, कौन पकड़ सकता हमारे राजा के घोड़े को, हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, किसकी माँ ने दूध पिया है, और कोई पकड़ ले तो उसका होठ फोड़ दें, न्यू कर दें। ये सैनिक बकवादी होया भी करे, का दस पाए छपोई। तो उस चुनक ऋषि के अंदर प्रेरणा आ गई काल से कि इस राजा को अभिमान हो गया, ले इसकी बुद्धि ठिकाना करता हूँ। अब सारी उम्र डड़े डोए साधना करी, सिद्धि प्राप्त कर ली, अब वो यहाँ बर्बाद कर दी। वो ऋषि कहने लगा कि भी मैंने इस घोड़े को मैं पकड़ लूँ तो, इस घोड़े को मैं बांध लूँ तो क्या हो। सैनिक कहने लगे, रे कंगाल, तेरा दाने तो खाने को नहीं, अरे तू घोड़ा पकड़ युद्ध करेगा चक्रवर्ती राजा मानधाता से, क्यों तेरी सात बोल दे रही है, पड़ा रहा अपना कर ले भजन बैठ कर। अब ऋषि और क्रोधित हो गया, कहने लगा भाई मैंने यो घोड़ा पकड़ दिया और बांध दे इस वृक्ष के, और कह दो तेरे राजा ने आ जा मेरे साथ युद्ध करने के लिए। अब सैनिकों ने वो घोड़ा बांध दिया, राजा को फिर नमक मिर्च लगा दी कि आज तो राजा एक आदमी ने हिम्मत करी है हमारे साथ बकवाद करने की, कल दूसरा सिर उठाएगा, ये तो ऐसे बात बिगड़ेगी। राजा ने कहा कि 72 करोड़ सेना की चार टुकड़ी कर लो, और 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी एक आदमी ने मारन खातर, दे बुद्धि भ्रष्ट राजा की हो, राजा की तो हो जा है बुद्धि भ्रष्ट, इतनी ताकत हो पाचार होगी उस ऋषि की भी। अब उसने 18 करोड़ सेना भेजी उधर से, ऋषि ने क्या किया, अपनी सिद्धि शक्ति ते चार एटम बम बना दिए, चार पुतली तैयार कर ली। पुण्यात्माओं, वचन की जो शक्ति है, इस वर्तमान जो विज्ञान ने जो परमाणु बनाई है, तो एक पद सिंह भी नहीं है, शब्द में इतनी जबरदस्त शक्ति है। अगर संत अपने वचन से ये कह दे कि इनके सब परमाणु निष्क्रिय हों, ये राख बनी पाओ सारे, ये तो काम में को नहीं करें। तो और वचन से बनाई हुई वस्तु, वचन एक ऐसी शक्ति है, डलन उठाकर राख को उठाकर इसको कह दे ये फलानी चीज बन, वो बन जा। जैसे गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्र जी का जो शरीर जला दिया गया था, राख बन गई थी, उस राख को उठा करके अपनी शक्ति से गुरु मच्छंद्रनाथ बना दिया था एज इट इज, और काफ़ी वर्षों तक जीवित रहा, वो शरीर बनाकर उसमें वो आत्मा वापस प्रवेश करवाती थी। तो ये इतनी सिद्धि युक्त होकर भी मोक्ष नहीं हुआ इनका, परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे तोब थे ये संत ऋषि, जिन चीज कारण से इनकी बोलबाला हो गया और डोगे डले यहीं पर, ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। तो भाई
राजा ने एक टुकड़ी 18 करोड़ सेना छोड़ी, ऋषि ने एक एटम बम छोड़ दिया, वो पुतली छोड़ दी। उसने 18 करोड़ सेना की कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी छोड़ दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। कहने का भाव यह है कि मानदाता राजा का सर्वनाश कर दिया, 72 करोड़ सेना। उस ज्ञानी ऋषि ने, वो ज्ञानी आत्मा ने काट डाली। अरे थरा गजब, ये यहाँ के ज्ञानी। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि अब उसने साधना की वेदों अनुसार, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, लेकिन ये परमात्मा में लीन आत्मा मेरे वाली अनुतम यानी घटिया गति में सचित है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अपनी साधना को इसलिए घटिया बताया है गीता ज्ञानदाता ने कि ये भी इसे डले डो है, इसे जुलूम कर देते हैं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम सतलोक पर चला जाएगा, वहां कोई इस तरह की बकवाद नहीं है। अपने आत्मा जब तक, अब क्या होगा, होता है कि यहाँ जो भी क्रिया करते हैं ब्रह्म पर ब्रह्म तक की साधना में, जैसे कर्म करता है वैसा ही फल है। अब जैसे उसने तप हठ योग करके ओम नाम का जाप करके वो भक्ति शक्ति की, वो तो अलग लिखी गई, और ये पाप करके ये अलग लिखी गई। पहले तो यो चुनक ऋषि ब्रह्मलोक में जाओगा, वहाँ हजारों वर्षों तक देवता बनेगा, अंडी पाकेगा। उसके बाद फिर यो नीचे आवेगा, गधा बने, कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे इसके, और जो ये 72 करोड़ सेना का इसने बेमतलब नाश कर दिया, ये इसके कीड़े पड़ के इसने खाओगे चारों तरफ से, इसकी वह दुर्गति होगी। तो कहते हैं ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये लगे तो थे सतभक्ति करने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम घटिया साधना में ही लीन रहे, गति में लीन रहे। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी की वाणी में लिखा है कि बेहतर अक्षौणी खा गए वो चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। ओहो, कहते हैं 72 करोड़ सेना ने खा गया यू चुनक ऋषिश्वर, ये चुनक नाम के ऋषिश्वर यानी ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये लक्षण है काल के उपासक के। और कहते हैं दे दारे या मौत फरे, जोरा माने मौत, ये दिखे संत और ये से एटम बम्ब, ये दे धारे मौत फरे ये सभी काल के भेख यानी सब काल के समुदाय के समुदाय टोल के टोल फरे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।